हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज जा रहा हूँ मैं दिल्ली चोर बाजार। तो गाइस चोर बाजार को करूँगा मैं पूरा एक्सप्लोर। और गाइस मैं लाऊंगा 10,000 का बल्कि मात्र 400 रुपये में। और गाइस मेरे इस ब्लॉग का साथी है तो 20 रुपये मिलेगा मुझे गाइस दिल्ली में ही। वो दिल्ली में ही रहता है, दिल्ली में ही जॉब करता है। तो गाइस कल करते हुए तो गाइस नेक्स्ट शो। तो गाइस यहाँ से दिल्ली अराउंड 85 किलोमीटर है। मैं भी रुके रूम से पहुँच चुका हूँ। कैसे खुलेगा वो देखते हैं क्या कर रहा है लौंडा। क्या कर रहा है भाई? यो मैं बढ़िया बढ़िया। तो गाइस चलते हैं फिर, लेट्स गो मैन। बना लिया बना बना रहा हूँ गाइस। फाइनली हम पहुंच चुके हैं और लगा दी हमने अपनी बाइक पार्किंग में। बिल्कुल चलें फिर। चलो यो मैन लेट्स गो गाइस, चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बड़ा लाज लग रहा है। तो गाइस फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो गाइस भैया कितने के हैं सिक्का का? भैया कितने का है? तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड है। तो गाइस यहाँ आने का वैसे कुछ फ़ायदा नहीं है, वीडियो शूट को मेरे को लग नहीं रहा यहाँ पे हो पाएगा। बाकी ये है कि यहाँ पे अपना मामू कट सकता है, इतनी भीड़ है तो कुछ मत वीडियो तो क्या बन गया। तो गाइस गूगल मैप से हमने बहुत ढूंढ ली मार्केट, अब लेना पड़ रहा है मेरी रिक्शे का सहारा। लोकल रिक्शे वाला बोले मैं पहुँचा दूँ आपको वहाँ पे जहाँ आपने जाना है। बाकी मार्केट में कुछ खास है नहीं, चोरी चारी का ज़्यादा काम है यहाँ पे। मेरे जा रहे हैं रिक्शे पे बैठ के। अभी हम निकल चुके हैं यहाँ चांदनी चौक की मार्केट से। गाइस यहाँ पे कुछ खास नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था और क्राउड भी था और मतलब यहाँ पे चोरी वगैरह का काफ़ी मतलब वो चल रहा है। टोटल बोर्ड ऑफ करने वाली बात है। बाकी तो हमारा बजर है यहाँ पे, कुछ मजा नहीं है। घूमने लायक तो कुछ भी नहीं है यहाँ। और आज लाल किला रेड फोर्ट बंद था तो हम आज बंद है, 15 दिन से बंद है। ये भी बात सही है। तो बस अब हम वापस जा रहे हैं, वापस भी जाते हैं, उसके बाद शायद देखते हैं इंडिया गेट वगैरह जाएंगे और उसके बाद चलते हैं यहाँ से। तो बने रहें आज का व्लॉग रिक्शे का मजा नहीं। लोग कंटिन्यू करते हैं मार्केट घूम के आ चुके हैं। कभी क्या लगा तेरे को मार्केट में? अच्छा लगा सर यार, मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। बाइक वाला क्यों इतने बैन जा रहा है? तो इसलिए वहाँ खास ही था। गाइस मेरे सामने 4-5 केस ऐसे हो गए, बंदे बोले भाई ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। उस लड़के को हम उसी टाइम हम मार्केट छोड़ के आ गए। यहाँ पे रहना सही नहीं है, सही नहीं है। बस यहाँ देखा हम जा रहे हैं इंडिया गेट, बस चलते हैं गाइस।
गाइस हम जा रहे हैं पालिका बाजार घूमने के लिए। तो गाइस आ चुके हैं हम घूम के, कुछ नहीं है, मैंने एक बैग लिया है। तो कितना कर लिया भाई? 250। दिमाग खराब है क्या? 2500 रुपये का लेके आया हूँ, होमी का है। तो गाइस चलते हैं रूम की तरफ, बहुत हो गया ड्रामा। चलो तो बीरू आपका आज का दिन कैसा रहा? फिर इतना सोच के मत बोल भाई, जल्दी बोल, इंटरव्यू जा रहा है, स्टैंड जरा। तो बीर जी आपका पहला सवाल है कि आपका आज का दिन कैसा रहा? ठीक ही रहा, क्योंकि आज हमारा मूड हो गया मेरा यार, बाइक तेरे को पता ही, बाइक लग गई थी, है ना। तो गाइस आज जब हम सुबह रूम से निकलते हैं, सबसे पहले तो हमारी बाइक ऐसे गाड़ी वाले ने बाइक को ठोक दिया है। तो आपका सेकंड सवाल ये है कि आप कहाँ जा रहे हो? तो भाई हम वापसी कर रहे हैं, ब्लॉग बनाने आए थे, बट ब्लॉग के चक्कर में हमारा पूरा दिन खराब हो गया, क्योंकि हमने जाना था चांदनी चौक, तो तुमको पता ही वहाँ पर कितना ज़्यादा क्राउड है, क्राउड भी था, बहुत ज़्यादा रश था, और वहाँ पे फीस वगैरह ज़्यादा थे, चोर वगैरह का भी मामला बहुत ज़्यादा हो गया था, हमारे सामने से पता ही दूसरी चक्कर के थे, इसलिए हमने पता ही यहाँ कोई फ़ायदा नहीं और कुछ का भी नहीं था बनाने के लिए, इसलिए हमें पता वहाँ निकालना पड़ेगा। तो हम उसके बाद इंडिया गेट गए, इंडिया गेट में वेरी गुड भाई, इतना ज़्यादा नहीं बोलना। आपका तीसरा सवाल ये है कि बाइक आज लगी है, मेरे को मेरा मूड ऑफ हो चुका है सुबह, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहना है यार, गाड़ी वाले की गलती थी, हम तो अपना आराम से जा रहे थे, बस हमने टर्न किया, उसने एकदम से पीछे ले आके मार दी। अच्छा, गलती तो उसकी थी, अब हम क्या बोलते हैं यार, बस वो थोड़े बिजली थे, हमने इतना बोला नहीं, बस हमारा बाइक का नुकसान ज़्यादा नहीं, बस ये टेल 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 ही लग गया, गार्ड था तो उसका स्क्रू निकल गया, स्क्रू नहीं निकला है, टेल टेढ़ी हो गई है पूरी। सो गाइस आपने सुने अभी बीरू जी के विचार कि क्या थे इनके आज के दिन के विचार। तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं गाइस, हम तो जा रहे हैं अब रूम, बस चिल मारने के लिए आ सब, चिल वाला माहौल बना, बस सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया, बस गाड़ी वाले ने टक्कर लगा दी पीछे से, और बीरू जी नीचे गिर गए थे, गिर गया तो मतलब टूट गया था, पहले तो पहली बार तो गिरा कोई भी नहीं था, छलांग तो लगा दी थी बाइक से, तो उसके बाद गए थे, हमारा मूड ऑफ हो गया टोटली। बाकी उसके बाद जब हम चोर मार्केट में गए तो वहाँ कुछ खास था नहीं था, बस चोर थे, चोरों से ज़्यादा डर लगा, बस कारण हम वापस आ गए। अब हम जाएंगे चलते हैं रूम को, देखते हैं अगर आगे अच्छी लोकेशन मिली तो यहीं अंदर चाहिए, थक गए और बस पार्क ढूंढ रहे थे, दिल्ली में जहाँ भी हम गए पालिका सारे ऑलमोस्ट सारे पार्क बंद हैं यहाँ पे, तो चलते हैं गाइस फिर आगे, अच्छी लोकेशन मिलेगी तो रुकेंगे नहीं, तो सीधा ही रूम पे ही मिलेंगे। बीरू राइडर भाई मुझे भी ले ले यार, मैं बाहर तक पैदल आऊँगा क्या? बीरू चल चल ले ले आगे आगे रुक जा, ठीक है।